उदयपुर वाटी क्षेत्र में एक के बाद एक आठ दुराचार की घटनाओं के विरोध में 26 अप्रैल को भीमसेना की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश रैली में घटनाओं के विरोध में कस्बे के सर्व समाज के लोग शामिल हुए। सातपत्ती से शुरू ही आक्रोश रैली में लोग दुराचार की घटनाओं के विरोध में नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम कार्यालय के सामने सभा का आयोजन हुआ, जिसमें भीमसेना के पदाधिकारियों एवं दलित नेताओं ने कहा कि क्षेत्र में एक के बाद एक आठ दलित समाज की बेटियों के साथ दुराचार की घटना हुई है, लेकिन क्षेत्र का विधायक ने आज तक एक भी पीड़ित दलित बेटी के घर नहीं गया। विधायक दूसरे जिले में अपने समाज के हितों की रक्षा में लगा हुआ है, लेकिन क्षेत्र में दलित परिवार की बेटियों के साथ हो रही दुराचार की घटनाओं के विरोध में मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला गया है। वक्ताओं ने कहा कि दलित परिवार की बेटियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को शीघ्र फांसी की सजा नहीं दी गई तो भीमसेना की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही जेतपुरा में नाबालिग के साथ हुए दुराचार के मामले में पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने पर आक्रोश जताते हुए पुलिस प्रशासन और विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभा को एडवोकेट रामनिवास सैनी, पार्षद अजय तसीड, भीमसेना अध्यक्ष सुरेश खारड़िया, जितेंद्र राठी, विनोद असवाल, दिलीप असवाल, गीगराज वर्मा, भीमसेना प्रमुख अनिल चितड़िया, सुरेश वर्मा, सुरेश मीणा किशोरपुरा, अमित शर्मा आदि ने संबोधित किया। सभा के बाद आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग व पीड़ितों को दामनी फंड से सहायता देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान प्रदीप कनवा, प्रतिपक्ष नेता श्यामलाल सैनी, एडवोकेट मोतीलाल सैनी, राधेश्याम रचेता, सूबेदार बनवारी लाल सैनी, दौलत सैनी, गंगाराम मौर्य, बनवारी लाल मीणा, दिलीप असवाल, मुकेश नायक, विक्की नायक, धर्मपाल गांधी, अशोक कल्याण, मनोज कल्याण, कुलडा खां, मुकेश राठी, संजय मीणा, नेहरू वाल्मीकि, सैरीन मंसूरी के साथ कई महिलाएं भी शामिल हुई। सुरक्षा का वातावरण है कि कहीं मेरी बेटी बाहर गई और सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी।
ये जो माहौल बनाने की कोशिश है इसको नकारना पड़ेगा। और हर एक नौजवान को जात पात धर्म भूल करके, राजनीतिक स्वार्थ को भूल करके, उनको त्याग करके एक मंच पे आना होगा और इन मासूम बच्चों को न्याय दिलाना पड़ेगा। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे उदयपुरवाटी के लोग एकजुट होकर के राष्ट्रीय जो दामिनी कोष का आयोग सरकार ने किया है उससे हमारी मासूम बेटियों के शिक्षा और चिकित्सा के लिए बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप सारे लोग लामबंद होकर के ये मांग करें कि राष्ट्रीय जो दामिनी कोष है उसकी सहायता राशि इन मासूमों को मिले। क्या आप लोग साथ हैं? तमाम साथियों से निवेदन है कि ये जो दुष्कर्म की घटना है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, दोनों की सरकार है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारे लोग बराबर के जिम्मेदार है। और इस आंदोलन की आग या तो प्रशासन कान खोल के सुन ले, वो नया आंदोलन है उदयपुरवाटी नहीं रहेगा, इसकी लपटे है वो दिल्ली तक जाएंगे और पूरा उदयपुरवाटी सुन देगा, पूरा उदयपुरवाटी सुन लेगा अगर समय रहते काम नहीं किया तो। आप अब मैं जैतपुरा वाली घटना है उसमें पुलिस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पुलिस जैतपुरा वाली घटना की पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। वो मासूम लड़की और उसके परिजन थाने में घूमते रहे। थानेदार ने ये कहा, थाने के इंचार्ज ने, कि राजीनामा कर लो। राजीनामा का प्रेशर बनाया। फिर मैंने बात की उस इंचार्ज से, क्यों भाई रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? बोले कि लड़की चाहती नहीं रिपोर्ट। मैंने कहा लड़की मेरे पास बैठी है, चाहती है तो लड़की तो रिपोर्ट दर्ज करवाना चाह रही है, इसके माँ बाप हैं। बोले ये शादी करना चाहती है उससे, उसके खुद के शब्द हैं। मैंने कहा नाबालिग लड़की शादी करेगी क्या? लेकिन फिर भी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज के लिए हाँ नहीं की। मैंने कहा मीडिया के लोग इकट्ठे होंगे, समाज के लोग इकट्ठे होंगे, आपकी बाहर चल जाएगी, आपके खिलाफ वातावरण बनेगा। उन्होंने कहा कि मैं डरता नहीं, मेरे को धमकी देने की जरूरत नहीं। मैंने कहा धमकी नहीं, काम है तेरा, ये तेरे को काम करना चाहिए। और मैंने जब फोन किया उसके बाद में उस HSO ने उस लड़की को थाने में बुलवा के रिपोर्ट दर्ज की। मैंने विनोद जायसवाल से कहा, बाकी लोगों से भी कहा, और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में भी आज तक उनको बैठा रखा है, उनको गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार इसलिए नहीं किया, वो कह रहे हैं कि 164 के बयान हमें नहीं मिले। मैंने कहा 164 के बयान सारों में नहीं होते, रिपोर्ट दर्ज होते ही गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन वो जो मुलजिम है वो उन पर, उनको बड़ा राजनीतिक प्रेशर है, उन पर संरक्षण है, प्राप्त है उनको, इस कारण से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। और पुलिस उदयपुरवाटी के इंचार्ज जो है, सारी पुलिस के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन उदयपुरवाटी के इंचार्ज थाने के इंचार्ज का रवैया ठीक नहीं है, काम करने का ढंग ठीक नहीं है। वो किसी का नौकर नहीं है, वो सरकार का नौकर है, जनता का नौकर है, ये समझकर उसको काम करना चाहिए। नहीं तो आज तो इतने से लोग आए हैं, अगर भविष्य में उसकी ऐसी बातों का पता चलेगा तो पूरे थाने को घेर लिया जाएगा। पर ऐसे करते के लिए जो कुकर्म किया जा रहे हैं, उदयपुरवाटी विधानसभा में पिछले 25 दिन में कम से कम 8 या 9 बलात्कार के केस सामने आए हैं, ये या तो प्रशासन जिम्मेदार या पुलिस जिम्मेदार या यहाँ का विधायक, लोगों को, जनता को ये बता नहीं पा रहा है कि ऐसे मानसिक विकृत आदमियों को घरों में जगह नहीं, सलाखों में जगह होनी चाहिए। और ये जो 22 तारीख को केस दर्ज हुआ जैतपुरा वाला, उस केस के आरोपी आज भी सलाखों के अंदर नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार प्रशासन है और ये पुलिस जिम्मेदार है, उसका कौन जवाब देगा इसका? लोगों को सह दे के अगर किसी विधायक के प्रेशर में आकर अगर ये काम किया जा रहा है तो साहब ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एक बार तो हमने जिता के भेज दिया, अब की बार तो खड़ा होने काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। एक बार हमने जिता के भेज दिया है, इस बार तो वो खड़ा होने काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए उन आदमियों को, यहाँ 8-8 बलात्कार के केस हो रहे हैं और वो शिक्कर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ 8 आदमियों का जवाब कौन देगा? उन 8-8 परिवारों का जवाब कौन देगा? और आदमी है वो सिर्फ अपनी जात के लिए राजनीति करने के लिए आया है, सर्व समाज उदयपुरवाटी के लिए हमने उसको निर्वाचित किया है, तो इस समाज के लिए जवाबदेही कौन होगा? आदमी अपनी राजनीति करने के लिए शिक्कर में आग लगा रहा है, यहाँ आग लगी हुई, उसको कौन बुझाएगा, कौन जवाब देगा इस बात के लिए? हम जनता जवाब देंगे। अरे विधायक किसने बना के पैसे हम दे उसको? और शर्म नहीं आती उन लोगों को? ये हमारे साथ साहब हमेशा से ऐसी हरकतें करते आ रहे हैं, कौन बर्दाश्त करेगा उनको? अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा। जनता रोड पे आएगी और जनता बता के जाएगी कि प्रशासन काम कैसे करता है और पुलिस काम कैसे करता है। देखते हैं इनका कितना
हम पे दुष्कर्म और इनका जोर जबरदस्ती हमारे आवाज कैसे बंद करते हैं हम भी अभी देखते हैं। जय भारत जय हिंद। होगा कि पहले हमारे उदयपुर वाटी का पूरी जगह जगह पर नाम था बेटियों के लिए, पर लेकिन आज क्या हो रहा है हमारे उदयपुर वाटी में बेटियों के लिए? कितनी बदनामी हो रही है हमारे उदयपुर वाटी में बेटियों के लिए, क्यों मारा जा रहा है इन्हें? और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप बेटियों को पढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा। मैं ऐसा ही नहीं कहना चाहूंगी कि आप बेटियों को भी बेटियों को ही पढ़ाएं बेटों के नहीं पढ़ाए, मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि आप बेटो बेटी बेटा दोनों को पढ़ाए, क्योंकि दोनों हमारे लिए बहुत बहुत समान है। और मैं आपसे बस यही कहना मैं आपसे बेटियों के बारे में शायरी कहना चाहूंगी।